ही कटरीना की मॉम सुजैन टार्किट की करें, उनके ब्रदर माइकल की करें, सिस्टर इजाबेल नताशा की करें या फिर बाकी बहनों की करें। कटरीना के बाकी 7 सिबलिंग्स के अलावा विकी के ब्रदर सनी कौशल की भी हम बात करेंगे। काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है कटरीना की फैमिली से विकी कौशल की, और विकी की फैमिली ने खुद कटरीना को डिनर डेट पर इनवाइट किया था शादी से ठीक एक पहले की रात, ताकि फैमिली मिलकर डिस्कस कर सके और माहौल को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना सके। 2 साल कटरीना और विकी ने एक दूसरे को डेट किया और फाइनली दिसंबर को उन्होंने शादी के बंधन में बंध कर नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। ढेरों सारी बधाइयां कटरीना और विकी को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए मिल रही है। इन सब के बीच कटरीना के ससुर जी यानी कि विकी कौशल के पिता श्याम कौशल को लेकर खबर आई है, जिनका रिश्ता शाहरुख सलमान के साथ भी, अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत गहरा है। आइए जानते हैं ससुर के बारे में, जिन्होंने विकी की पत्नी यानी कि कटरीना को बहु रूप में स्वीकार कर मीडिया के स्टार्टर की तैयारियां की थी। देखिए श्याम कौशल की से जुड़ी क्या नई खबर आई है बॉलीवुड अपडेट इस शो में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति पूरी डिटेल लेकर आई हूँ, तो इंतजार किस बात का, बढ़ते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ। वेल, यहाँ पर बात कटरीना कैफ के फादर इन लॉ की हो रही है, तो चलिए आपको इस बारे में डिटेल बता ही दें। जी हाँ, डिटेल खबर क्या है वो आपको बताना चाहेंगे। दरअसल कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में श्याम कौशल जो हैं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए, क्योंकि उनकी प्यारी सी बहू जो घर आ रही हैं, जो पूरे देश वासियों के बीच सबकी दिलों पर राज करती हैं। तो यहाँ आज हम आपको बता दें, कटरीना कैफ जो हैं श्याम कौशल के साथ चर्चा का विषय बन गई, वो इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि कटरीना कैफ और विकी की शादी में सबसे ज़्यादा खुश जो हैं श्याम कौशल रहे हैं। श्याम कौशल भी काफ़ी फिट है, क्या आपको मालूम है उनके बारे में, सलमान के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। जी हाँ, स्टंट मैन, एक्शन डायरेक्टर, जी हाँ इस तरह से काम उन्होंने किया, बतौर एक्टर उन्होंने काम भले ना किया हो लेकिन स्टंट मैन के तौर पर और साथ में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने फिल्मों में काम किया है। ये आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन विकी कौशल की दमदार एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी के जो लोग दीवाने हैं वो श्याम कौशल से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है, तो उनको वाकिफ़ हम कराना चाहेंगे। फिल्मी दुनिया से उनका नाता पुराना है, कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में विकी कौशल के पिता ने स्टंट दिया है। जी हाँ, जानकारी आपको देना चाहेंगे, विकी कौशल के पिता ने शाहरुख, आमिर खान, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, अक्षय कुमार समेत कई एक्टर्स के साथ भी काम किया है। अनुपम खेर के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, और ये आपको बता दें कि अनुपम खेर के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुशी श्याम ने पहले भी जाहिर की है। श्याम कौशल भी काफ़ी फिट एक समय रह चुके हैं। तो वहीं आपको यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बता दें, साल 2012 में श्याम कौशल ने शाहरुख की फिल्म जब तक है जान में स्टंट परफॉर्म किए थे। एक्शन कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी उन्होंने माय नेम इज़ खान में काम किया, जो शाहरुख की सुपरहिट फिल्म रही। ओम शांति ओम रब ने बना दी जोड़ी में भी एक्शन डायरेक्टर वो रह चुके हैं। देवदास में भी श्याम कौशल कोऑर्डिनेट कर चुके हैं स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर। तो वहीं श्याम कौशल का नाम बड़े सितारे, बड़े कलाकार, बड़े स्टंट डायरेक्टर के तौर पर इसलिए भी है क्योंकि स्टंटमैन के तौर पर उनके परफॉर्मेंस को हमेशा पसंद भी किया गया है। क्या आप सबको मालूम है कटरीना के ससुर बन चुके श्याम कौशल ने जब तक है जान फिल्म में किया, कटरीना भी उसे फिल्म में नज़र आई हैं। आपको शायद मालूम ना हो, जब तक है जान में स्टंट तो उन्होंने किया था, तो कटरीना के साथ उनके बॉन्ड ऑलरेडी रहे हैं, तो ये भी सब जानते ही हैं कि उन्होंने दंगल में भी स्टंट कोऑर्डिनेट किया था। जी हाँ, सलमान की फिल्म की बात की जाए तो सलमान खान के साथ उन्होंने किया है काम, ये भी बताया जाता है। और इसके पीछे की वजह आपको बता दें, दंगल, काबिल, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, कलंक, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, हाउसफुल 4 और गुंडे में उन्होंने किया ही काम। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना, आज आप सब ने हमारे इस खास प्रोग्राम में कटरीना कैफ के फादर इन लॉ विकी के डैडी जी यानी कि श्याम कौशल के बारे में,
फिल्मी दुनिया के लिए ये नाम भले नया ना हो, लेकिन कटरीना की जिंदगी के साथ जुड़ा ये नाम अब जो कटरीना की जिंदगी में पिता की कमी है वो कमी पूरा करेंगे श्याम कौशल, क्योंकि कटरीना के मॉम डैड तब तलाक ले चुके थे जब कटरीना खुद बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इसलिए पिता की कमी तो कटरीना की जिंदगी में उन्हें हमेशा महसूस होती है, क्योंकि पिता जो है कटरीना के साथ नहीं रहते, कटरीना की मॉम के साथ नहीं रहते। शादी में भी कटरीना के पिता को शायद देखा ना गया हो। आज हम कटरीना कैफ के पिता के रूप में देख रहे हैं श्याम कौशल को। देखा जाए तो श्याम को एक बेटी मिली है तो कटरीना को एक पिता मिले हैं। उम्मीद करते हैं ये जो सास ससुर और बहू की जोड़ी है इसी तरह से एक मिसाल बने जिस तरह अमिताभ और साथ में ऐश्वर्या की जोड़ी देखने को मिलती है ससुर और बहू के तौर पर। फिलहाल वक्त हो गया है बॉलीवुड टाउन की इस खबर के साथ आपसे विदा लेने का। देखते रहे ऐसी ही डिटेल हर खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।